हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन। सो आज हम लोग कंसाइज फिजिक्स के चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस के, जिसके हम लोग ने सेक्शन ए पूरा पढ़ लिया था, अब हम लोग सेक्शन नंबर बी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सेक्शन नंबर बी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन बाय अ रे डायग्राम। ठीक है, तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने लिख दिया है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, सेक्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय अ लेंस, और इसमें टॉपिक है प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन। हम लोग कंस्ट्रक्शन ही कर रहे हैं ना किसी इमेज का, वो बात अलग है कि वो वर्चुअल रहती है या कैसी रहती है या रियल रहती है, बट हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन रेज फॉर रे डायग्राम। ठीक है, हम लोग रे डायग्राम के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखिए यहां पे बहुत छोटी सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका जो भी इमेज बनेगा, मान लीजिए एक ये इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, इस इमेज का पोजीशन कहाँ पे बन रहा है, नंबर वन। दूसरा, इसका साइज कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा, और तीसरा पॉइंट आता है इसका नेचर, मतलब ये रियल इमेज रहेगी या वर्चुअल इमेज रहेगी, ये डिटरमाइन करता है रे डायग्राम। तीसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, मतलब वर्चुअल बनने वाली है या रियल बनने वाली है। एक ये इमेज है, एक ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा, उसका पोजीशन मतलब कहां पे बनेगा, उसका साइज और उसका नेचर, ये डिपेंड करता है कि वो रे डायग्राम में कैसे बना है। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं। इसके लिए हम लोग को बेसिकली तीन प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। ठीक है, देयर आर थ्री प्रिंसिपल, मैं लिख देता हूँ, थ्री प्रिंसिपल। रेज फॉर कंस्ट्रक्शन, पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट, इसमें बेसिकली देखिए मैं एक बना भी देता हूं पहले। मान लीजिए ये एक लेंस है, ठीक है, इस लेंस में एक ही बीच में ऑप्टिक सेंटर रहता है। अब यहां पे इनका प्रिंसिपल पहला ये कहता है कि इसमें अगर कोई रे जा रही है वाया ऑप्टिक सेंटर, देन द रे ऑफ लाइट विल बी अनडेविएटेड। ये जिस एंगल से आई है, मतलब जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ है, उसी एंगल से इमर्ज भी होगी। ठीक है, ये इन्होंने बताया, इसका डायरेक्शन कहते हैं ऐसे, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका फोकल पॉइंट मान लीजिए एक ये F2 है और ये मेरा। ठीक, ये हो जाता है मेरा एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं इसको लिख देता हूं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, एट द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये मान लीजिए ओ था, ठीक है, ऑफ किसके, ऑफ द लेंस पासेस अनडेविएटेड
ये कीवर्ड है अनडेविएटेड थ्रू द लेंस, उस लेंस से अनडेविएटेड जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला प्रिंसिपल। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव के केस में क्या होगा, मान लीजिए ये लेंस है कॉनकेव, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसका ये ऑप्टिक सेंटर हो गया, और मैं दूसरी एक ये रे आ रही है, ये रे भी अनडिवेटेड है। ठीक है, और इसका अगर देखें तो ये फोकल पॉइंट रहता है F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, तो ये हो जाता है मेरा प्रिंसिपल नंबर वन। प्रिंसिपल नंबर टू क्या कहता है, प्रिंसिपल नंबर टू कहता है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या हो जाता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाता है इसका ऑप्टिक सेंटर O। अब ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है पैरेलल है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो फोकल नंबर टू के थ्रू जा रही है, ठीक है, मान लीजिए एक रे आ रही है, ये है मेरा फोकल नंबर टू, सेकेंड फोकल, ये एफ वन रहता है, ये एफ टू रहता है, तो ये रे अगर कलर टू बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो इन्होंने क्या बताया कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग और आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द सेकेंड फोकल लेंस। ठीक है, जैसे ये जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है, तो इसकी डायरेक्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे रहती है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है हमारा कौन सा केस, जब हमारा आ जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसमें ये एक्चुअल या रियल इमेज बनती है, लेकिन अगर हमारा यही कॉनकेव का केस हो जाता है, यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नीचे मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, ये मेरा मान लीजिए कॉनकेव एक लेंस हो जाता है, ये ऑप्टिक सेंटर है। ठीक है, एक ये रे आती है और देखिए इसमें F1 इधर है और F2 इधर है, बट इसका नेचर कैसे होता है, डाइवर्ट, तो ये डाइवर्ट होता है अपना प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है, दिस इज P है, बट इस केस में ये अपीयर करता है, ऐसा अपीयरेंस रहता है, ऐसा आभास होता है, ऐसा देखने में लगता है कि इमेज जो है वो फोकस नंबर टू पे बन रही है। तो ये हमारा कौन सा केस हो जाता है, ये हो जाता है कॉनकेव, ठीक है। अब मैं इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये देखिए क्या बोल रहा है, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल, देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं वही लिख रहा हूँ, पैरेलल टू द व्हाट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, अगर किसी को नहीं पता कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, सेक्शन नंबर आई थिंक वीडियो नंबर 3 में है, आप उसमें देख सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस किसका, इस लेंस का, जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, लेंस आफ्टर किसके, रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, पासेस थ्रू द सेकेंड फोकल। ठीक है, पासेस थ्रू द सेकेंड फोकल, सेकेंड फोकस मतलब ये F2 की बात कर रहा हूँ, ये F2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, F2, ठीक है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है,
यहाँ पे देखिए पासिस थ्रू एफ टू लेंस इन कॉन्वेक्स लेंस, बट यहाँ पे वो पास नहीं कर रहा, यहाँ पे अपीयर कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन करी, तो ये चीज़ भी मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं इस ये जो दो डायग्राम बनाए ना, ये इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अरे ये जो मैंने एक्सप्लेन किया मैं उसी को लिख रहा हूँ अच्छे से, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी जब मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये नोट्स आपको visionandgoal.com वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अरे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ईदर पासेस और अपीयर और अपीयर्स टू पास टू द सेकेंड फोकस। कहाँ से होता है ये देखिए, ये या तो एक्चुअल है या अपीयर है, डॉटेड लाइन मतलब अपीयर हो रहा है, आभास हो रहा है। अपीयर टू पास टू द सेकेंड फोकस, सेकेंड फोकस, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया सेकंड प्रिंसिपल, बहुत इजी था। थर्ड प्रिंसिपल देख लेते हैं, प्रिंसिपल नंबर थ्री क्या कह रहा है। प्रिंसिपल नंबर थ्री भी बहुत आसान है, मैं लिख देता हूँ पहले। प्रिंसिपल थ्री क्या है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अभी तक कैसे हो रहा था, ये पैरेलल जा रहा था और ऑप्टिक सेंटर से जा रहा था, ठीक है। पहले में ऑप्टिक सेंटर से रह गई, दूसरे में पैरेलल गई। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो रे है वो मेरा फर्स्ट फोकल पॉइंट से जा रही है, ठीक है, या वहाँ से अपीयर हो रही है ऐसा लगेगा। तो इसमें फर्स्ट फोकल पॉइंट कहाँ पर होता है, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में ये होता है मेरा फर्स्ट फोकल पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो होता है, और ये मेरा सेकंड फोकल पॉइंट। तो इसमें रे कैसे इन्होंने बताया, रे आ रही है मान लीजिए ये ऐसे आ रही है फर्स्ट फोकल पॉइंट से, तो ये ऐसे आ रही है, और इसके बाद वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, तो ये मेरा पैरेलल हो जाए, ठीक है। रे का डायरेक्शन ऐसे था, फिर ये पैरेलल हो जाती है, और अब ये तो हो गया मेरा कॉन्वेक्स का केस। कॉनकेव में क्या हो जाता है, मैं कॉनकेव भी बना देता हूँ पहले। ये है मेरा कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस पी ए, इधर भी लिख देता हूँ पी ए, इसमें भी वैसे ही है। इसमें लेकिन क्या होता है, इसमें डाइवर्ज होते हुए एक रे आ रही है मान लीजिए इधर से, इसमें मान लीजिए एक, ठीक है, जो कि पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये ऐसा आभास होती है कि ये जाएगी कहाँ पे, जो इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट है उधर, ऐसा लगता है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट से होते हुए ये रे आ रही है, या उस रे का जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स फर्स्ट फोकल पॉइंट है, लेकिन इन एक्चुअल में क्या होता है, ये इसके पैरेलल में रहती है, पैरेलल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रहती है, ठीक है, लेकिन ये आभास होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा फोकल पॉइंट वन एंड फोकल पॉइंट टू, और ये होता है इसका प्रिंसिपल, आपको भी एक्सप्लेन, ठीक है। अब ये चीज़ मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है, थर्ड में अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट पासेस और पासिंग थ्रू द फर्स्ट फोकस, ठीक है, ये फर्स्ट फोकस से पास हो रहा है F1, किस केस में, इन अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स
द फर्स्ट फोकस। किस केस में? कॉनकेव। ये क्या मेरा CONCAV कॉनकेव लेंस। इसमें ये डायरेक्टेड टूअर उधर जाता हुआ प्रतीक होता है, ठीक है, ये उधर जा रहा है LENS, ठीक है। फर्स्ट फोकस F1 इन अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इमर्ज मतलब ये इंसिडेंट हुआ एंड देन इमर्ज, इमर्ज होने के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है, इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में आ जाता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये देखिए मैंने पूरा आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल नंबर 3। और इसके इस रे के बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे ये भी मैं और डिटेल बता देता हूँ, अरे इधर इंसिडेंट, इंसिडेंट फ्रॉम और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस बिकम पैरेलल, बिकम पैरेलल टू द PA मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। ये चीज मैंने इस जो डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करी थी वो भी मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस का थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है छोटे छोटे, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्दो द इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे, मान लीजिए एक ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए बहुत सारी रेज निकलती हैं, रेज आ रही हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से भी रे आ रही है, ऐसे भी आ रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आ रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ठीक है। बट वी चूज ओनली टू कन्वीनियंट रे, कौन कौन सी आ रही है, जैसे ये देखिए एक जो इसके टिप से होते हुए आ रही थी या एक हमारी पैरेलल होते हुए आ रही थी, हम केवल दो इसमें रेज को कंसिडर करते हुए हैं। देखिए एक ऐसे आ रही है जो हमारी फोकल पॉइंट्स होते हुए आती है और एक होती है जो पैरेलल में जा रही है, ये हमारे कन्वीनियंट के बेसिस पे हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो इन रेज की बेसिस पे बेसिकली दो टाइप की इमेजेस बनती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको काइंड ऑफ इमेजेस भी बता देता हूँ, तो उससे फिर आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काइंड ऑफ इमेजेस, देखिए बेसिकली दो तरीके की इमेजेस बनती हैं, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है पहले वो देखते हैं। तो पहला हो जाता है हमारा रियल इमेज, इसमें क्या होता है, इफ द रे From a point of object after refracting through a lens, ये देखिए जैसे मैंने explain किया था ना, जैसे ये एक ray है, after refracting through a lens actually meets at a point, देखिए यहाँ पे ray आ रही है और एक ये point पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो image बनेगी वो बनेगी real image, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर हम लोग screen रख दें, ठीक है, एक यहाँ पे स्क्रीन लगा दें, देन द इमेज विल बी रियल। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, वो आपको दिखाई देगी, बट वो इन्वर्टेड होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ पे उल्टा दिखाई देता है, बस इतना रहता है। तो ये चीज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
ठीक है। अब ये वाला डायग्राम फोकस करिएगा जब आपको ये समझना है। देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ये रे आ रही है और उसके बाद ये फोकल नंबर टू पे बन रही है और ये देखिए रियल है, अपीयर नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए अपीयर है। वर्चुअल केस में देखिए क्या होता है, मैं वर्चुअल भी बता देता हूँ। वर्चुअल केस में क्या रहता है कि इफ अ रे फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन टू अ लेंस डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, देखिए यहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट। ये जो डाइवर्ज हुआ है ना, ये लगता है कि यहाँ से डाइवर्ज होके जा रही है, पर डाइवर्ज कहाँ से हुई थी, ये पैरेलल आ रही थी फिर ये डाइवर्ज हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इमेज बनती है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल। और अगर यहाँ पे स्क्रीन लगा देंगे तो स्क्रीन पे ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, हाउएवर यहाँ पे अगर हम लोग आँख लगा के देखें तो हमें वो दिखाई देगा। क्यों? बिकॉज जो आई लेंस होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, तो मतलब आई के लिए फिर से वही लॉजिक लग जाएगा कि इसके पास जो भी इमेज आएगी, जो भी रेज आएगी, वो उसको रियल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आँख लगा के देखेंगे अगर हम लोग तो हमें इमेज दिखाई देगी, बट स्क्रीन रखेंगे तो नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है, यहाँ पे जो रियल इमेज थी ये आपको अपोजिट दिखाई देती है, उल्टा दिखाई देता है, बट जो वर्चुअल इमेज होती है वो सीधी होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो अब मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि इफ द रे फ्रॉम, देखिए मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ, फ्रॉम अ पॉइंट, ये मैं सामने लड़की देता हूँ तो आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। देखिए ये जो डायग्राम है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, यहाँ पे वो एक पॉइंट पे वो एक्चुअल में मीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे F2 था, देन द इमेज इज रियल, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इफ अगर यहाँ पे स्क्रीन रख दें, ठीक है, इफ अ स्क्रीन इज placed at this point, तो उस केस में क्या होगा, the image is obtained, तो उस पे image बनेगी on it, ठीक है, that is a real image कैन बी obtained, ठीक है। मतलब एक रियल इमेज हम लोग obtain कर सकते हैं एक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। बट तीसरा पॉइंट, इट इज इन्वर्टेड, उल्टा रहेगी, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये हो गया डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल इमेज, ठीक है। अब देखते हैं वर्चुअल इमेज का क्या कैसे रहता है। वर्चुअल इमेज है सेकेंड पॉइंट, वर्चुअल इमेज का कैसे रहता है, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए वर्चुअल इमेज में जैसे मैंने बताया, इफ द रे ऑफ और फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन through the lens
द लेंस डू नॉट एक्चुअल मीट डू नॉट एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, देखिए यही चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद ये कहीं पे मिल नहीं रही है वो। ठीक है, ये तो उधर डाइवर्ज हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चली गई। ठीक है, तो इज एक्चुअली नॉट मीट। ठीक है, बट ये अपीयर कर रही है, देखिए लग नहीं रहा, ये रे यहां से होते हुए जा रही है, ये ऐसे जा रही है। इसका मैं डायरेक्शन भी बना देता हूँ, ये देखिए ये ऐसे, ये रे ऐसे आई और ऐसे आई, बट लगता है कि वो फोकस पॉइंट टू से होते हुए जा रही है, तो वो चीज उन्होंने बताया। बट दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट द इमेज इज वर्चुअल। ठीक है, और यहां पे अगर ये जो हम लोगों ने ऊपर बताया था कि सेकंड पॉइंट स्क्रीन प्लेस करते हैं, यहां पे स्क्रीन प्लेस कर देंगे तो इमेज नहीं बनेगी। स्क्रीन प्लेस्ड एट दिस पॉइंट will not show any image on it, क्योंकि इमेज जब कब बनती है, जब हमारी रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज में नहीं बनती है इमेज ऑन इट। दैट इज, इसको और लिख देते हैं, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी obtain on a screen। ठीक है, अब यहां पे देखिए दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, however अगर हम लोग आई यहां पे रखते हैं, अगर हम लोग आंखों से देखते हैं तो हमें दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आई जो हमारी होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसलिए। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो मैं अगेन बताता हूँ, ये फिर से ये लॉजिक है, उस पर कोई भी रे आई वो उसको रियल इमेज बनाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख देता हूँ। हाउ एवर द आई कैप्ट बिटवीन द डाइवर्जेंट रे diverging rays is able to see this image. क्यों? because the eye lenses being convex convex lens क्या करते हैं, converges converges the diverging ray to form the image on the retina। इमेज कहां पे बनती है? आंखों में, रेटिना पे बनती है, रेटिना ऑफ द आई। और थर्ड पॉइंट, द वर्चुअल इमेज, जैसे मैंने पहले बताया, ये कैसे होती है,
ये इमेज इज इरेक्ट, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होती है, ये इमेज होती है, इज इमेज और अपराइट, सीधी होती है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये जो हम लोगों ने समझा है इसी को अगर मैं समराइज कर दूं और यहाँ पे अगर आपको एक डिस्टिंक्शन बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज आपको एक्सप्लेन कर दूं अलग से तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं फिर से लिख देता हूँ, डिस्टिंक्शन बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये कैसा रहता है वो देखिए। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं रियल इमेज और इधर मैं लिख देता हूं वर्चुअल इमेज, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें देखिए क्या आता है, अ रियल इमेज, देखिए रियल इमेज सबसे पहले क्या होता है, जब इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, जब ये रे देखिए एक्चुअल आ रही है, ठीक है, ये देखिए ये जो रे आ रही है ना ये ऐसे सीधे आ रही है, ये एक्चुअल में रे मिल रही है, लेकिन वर्चुअल केस में क्या होता है ये अपीयर होती है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही लिख देते हैं, अ रियल इमेज, अ रियल इमेज इज formed due to actual intersection of kiska of the rays refracted by the lens, ठीक है। लेकिन virtual case में क्या होता है, वर्चुअल इमेज, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द रे रिफ्रैक्टेड बाय द लेंस, ठीक है, लेंस जब रिफ्रैक्ट होता है appear, a double p e a r, appear to meet, ऐसा लगता है, meet if they are produced backward, ऐसा लगता है कि वहां से वो रे आ रही है बट वो एक्चुअली वहां से नहीं आ रही, ठीक है। ये हो जाता है मेरा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, A real image can be obtained on screen. तो हमने अभी देखा ही था, A real image can be obtained on a screen. ठीक, लेकिन virtual case में क्या रहता है, A virtual image can not be obtained on a screen, ठीक है, ये हो गया सेकेंड डिफरेंस। थर्ड पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड रहती है, तो a real image is inverted with respect to object, ठीक है, अगर सर ऊपर होगा तो उसमें सर नीचे दिखाई देगा, बट इस केस में a virtual image is erect,
में सीधी बनती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे देन द इमेज ऑफ डिस्टेंस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसमें इमेज का क्या कब बनती है, जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे कौन सा रहता है, ये देखिए ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, ये हम लोग का वर्चुअल इमेज हमारा कब आता है कॉनकेव लेंस में। तो बस उसका एग्जांपल भी लिख देते हैं, एग्जांपल वही है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये आप चार पॉइंट लिख दीजिएगा, ये एग्जांपल भी था, मैं इसको भी एक पॉइंट बता देता हूँ। तो ये चार पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस के लिए पूछा जाए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग ने देखा प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन रेज और रे डायग्राम, इसके तीनों प्रिंसिपल हमने देख लिए, प्रिंसिपल नंबर 1, 2 और ये 3 और विद द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक खत्म, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ आर रे डायग्राम फॉर अ लेंस, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर आपका अपना चैनल शैलेंद्र श्रीवास्तव।